नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर शुक्रवार 12 अगस्त को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायाधीश अरुणित बोस और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की वृहद खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जनहित याचिका से जुड़े तमाम दस्तावेजों की मांग की है। अदालत ने इसके लिए अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त बुधवार को मुकर्रर की है। बता दें कि अदालत ने इस केस को उस दिन के लिए सबसे पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया है। आज अदालत में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला भयादोहन से जुड़ा हुआ है। पूरी याचिका उगाही के लिए दायर की गई थी। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी को आधार बनाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह के मामले को लेकर जांच भी जारी है, ऐसे में अदालत को यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए। हालांकि अदालत ने सबसे पहले दस्तावेजों को देखने की बात कही है। वहीं ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।